सर क्या नाम है आपका और किस यूनिवर्सिटी के तरफ से इस स्पोर्ट का आयोजन किया जा रहा है, कितनी तारीख से है और क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत जाधव है। मैं सिक्स एस स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करता हूँ जो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का टैलेंट पार्टनर है। हम लोग दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुंब्रा कौसा स्टेडियम में। इस टैलेंट हंट के माध्यम से जो महाराष्ट्र में ठाणा मुंब्रा रीजन में मुंबई में जो टैलेंट है उनको एक सुवर्ण संधि दे रहे हैं कि वो आए और जिनको खेल में रुचि है वो सब बच्चों को यहाँ पे उनका 11 साइंटिफिक टेस्ट लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई तरह का रेस या कंपटीशन नहीं होगा, इनका साइंटिफिक तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। जब मैं टेस्ट बोलता हूँ तो इसमें ऐसा कोई ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है, बट रनिंग करके उनका एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा, फिर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस टेस्ट, ये सब यू नो हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट लिया जाएगा। ये सब साइंटिफिक टेस्ट है, इसका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा और ये सब पैरामीटर्स में जो बच्चे एकदम एक्सेल करेंगे या खूब अच्छा करेंगे वो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टेट लेवल प्लेयर है बट वो शॉर्टलिस्ट ना हो, बट कोई हमारा लोकल बच्चा है जिसका यू नो बॉडी कैपेसिटी अच्छा है तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। इस तरह से बताया जा रहा है इसमें कि 11 प्रकार के खेल संबंधित जो टेस्ट तो इसमें ऐसी क्या है जो बच्चों को जिस खेल में रुचि है उनको इसी कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा? ऐसा है कि ये जो 11 टेस्ट है ये यूनिवर्सल टेस्ट है, तो ये हर गेम के लिए लागू होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस इन ईच टेस्ट इनको हम लोग मतलब आपको रिपोर्ट दिया जाएगा टेस्ट के एंड में। वो रिपोर्ट के बेसिस पे पेरेंट्स को या फिर बच्चे को खुद को या उनके कोचेस को पता चलेगा कि ये बच्चा इसका क्षमता क्या है और ये कितना आगे जा सकता है और ये कौन से खेल के लिए अच्छा है, या फिर समझो यू नो अगर वो क्रिकेट प्लेयर है तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, जब वो बॉल हिट करता है तो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना है, उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है गेम के हिसाब से, वीकनेस क्या है, तो फिर वो वीकनेस पे काम करके उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया जा सकता है। ये बच्चों को हर बच्चे को ये रिपोर्ट दिया जाएगा। उसके अलावा जो टॉप बच्चे आइडेंटिफाई होंगे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका भविष्य का पूरा शिक्षण पढ़ाई का और इंटरनेशनल मतलब ओलंपिक खेलने तक उनको जो भी स्पोर्ट्स का फैसिलिटी चाहिए जैसा डाइट से लेके इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कितनी तारीख को होने वाला है वो कौसा स्टेडियम? ये 11 जून को यहाँ पे होने वाला है, सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। आज भी रजिस्ट्रेशन चालू है ऑनलाइन, जिसका लिंक हम लोग ने दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें 2 फ़ोन नंबर भी हम लोग ने दिए हुए हैं जिसमें आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, तो हम लोग आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई कोचेस हैं जिनको उनके टीम से एनरोल, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और क्या रजिस्ट्रेशन फ्री है इसके चार्ज? रजिस्ट्रेशन फ्री है। इसके अलावा जब बच्चा ये ग्राउंड में आएगा तो उनके लिए सुबह से शाम तक मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता ये भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये पूरी निशुल्क सेवा है, इसमें कोई एक रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट भी आपको मेल पे डायरेक्ट आ जाएगा, आपको किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 9869720518 या फिर 8237308503 ये 2 नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे थानेकर्स के लिए, मुंब्राकर्स के लिए, कि यहाँ के बच्चे टैलेंट हंट के थ्रू रिकग्नाइज कर पाए कि ओलंपिक्स जाने वाले बच्चे कौन कौन है, कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है, ये यूथ जो बच्चे है यूथ है वो ये हमारा फ्यूचर है, तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को ओलंपिक्स तक के पहुँचाएँ, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, स्कूल्स की, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टैलेंट हंट में भेजे। उनका 11 साइंटिफिक टेस्ट है जिसका रिपोर्ट कार्ड जो
निशुल्क है, फ्री, बिल्कुल फ्री है, वो ले और उन बच्चों का फ्यूचर, अभी हो सकता है कोई एक स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसके वो बच्चे की जो स्किल्स है, उसकी जो बॉडी शेप्स है, डायमेंशंस है, उसके स्किल्स है, उसका ब्रेन, उसके जैसा विजन है, वो कोई स्पोर्ट्स के अंदर हमें ओलंपिक कोई मेडल्स दिला सकता है, लेकिन उनके माँ बाप को लिटरेसी के इलिटरेसी के हिसाब से उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चे में ये टैलेंट है और वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये सब जो साइंटिफिक टेस्ट है ये बताए गए उन सब पेरेंट्स को भी कि भाई ये आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है और इसको आप स्पोर्ट्स में डालिए या स्पोर्ट्स में एथलीट्स बनाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर हमने ऑप्शंस रखे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो खुद वेबसाइट पे खुद पेरेंट्स भी कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा हम लोग ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रखे हैं जहाँ पे दो नंबर दिए गए जो अभी आपको स्क्रीन पे भी आएंगे, हम ये इसके स्क्रीन पे भी चलाए गए नंबर, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दिए हैं जिसके अंदर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का आई कार्ड लेके आना है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए ये सब चीज़ें मैंडेटरी है। आपको इसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन है, इवन जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो भी फ्री है, और जिस दिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेस्ट हो गए उस टाइम पे नाश्ता, खाना, ये सब फ्री रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुमरा के बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से, स्कूल्स, प्रिंसिपल से, ट्रस्टियों से, एनजीओ वालों से, कि ये बहुत ही अलग तरीके का, ये जैसे न्यू इंडिया है, तो जैसे कोई दूसरी कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस करता है, चाइना करता है, रशिया करता है, अपने टैलेंट हंट करते हैं ओलंपिक्स के लिए, तो अब इंडिया ने भी वैसा शुरू किया है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाइए, उनका फ्यूचर संवारना हमारे हाथ में।